मैं प्रिया आपके साथ। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में सोमवार शाम 4 बजे लगी आग मंगलवार सुबह 9:30 बजे फिर भड़क उठी। छठवें फ्लोर के एसी डाक से आग की लपटें उठने लगी। मंगलवार सुबह 8 बजे तक टीम ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन छठवें फ्लोर से धुआं उठ रहा है। इसी फ्लोर में फिर आग लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गठित अफसरों की टीम भी सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची। जांच दल के सदस्य एसीएस होम राजेश राजौरा ने कहा, प्रारंभिक जायजा लिया है, अभी आग लगने के कारणों पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सभी मंजिलों पर आग पर काबू पा लिया गया है। छठवीं मंजिल पर धुआं निकल रहा है। हम दोपहर 1 बजे से अपनी जांच शुरू करेंगे। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है, हमारी प्राथमिकता थी कोई जनहानि न हो और आसपास के इलाकों में आग न फैले। मुख्यमंत्री ने पूरे समय इस घटना की मॉनिटरिंग की। केंद्र सरकार से आर्मी की मदद भी ली गई। सभी एजेंसी आर्मी CISF भैल एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रयासों से आग काबू में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में घटना को लेकर रिव्यू बैठक बुलाई है। सोमवार रात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। सरकार का अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से फैलती गई। पूरे ऑफिस में 30 से ज्यादा एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट हुए हैं। आग बिल्डिंग की 3री मंजिल से शुरू हुई और 6री मंजिल तक पहुंच गई थी। जब आग लगी तब बिल्डिंग में करीब 1000 लोग थे। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इन 4 मंजिलों में रखी 12000 से ज्यादा फाइलें खाक हो चुकी है। इनमें ज्यादातर फाइलें चिकित्सा विभाग से संबंधित थी। नगर निगम पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग को काबू करने में मंगलवार सुबह 5 बजे कुछ हद तक सफल हो गई थी, लेकिन आग को पूरी तरह नहीं बुझा पाई। सुबह 6 बजे सतपुड़ा भवन के पश्चिम ब्लॉक के पिछले टावर से आग की लपटें रुक रुक कर उठ रही थी। सतपुड़ा भवन की 4थी, 5थी और 6थी मंजिल पर लगी आग को बुझाने लगातार पानी डाले जाने के बाद भी धुएं का गुब्बार उठता रहा। मौके पर दमकल के करीब 50 वाहन, पानी के करीब 500 टैंकर थे। 16 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। सरकार ने एयरफोर्स से भी मदद मांगी लेकिन नहीं मिल सकी। सोमवार रात आग बुझाने की कोशिशें नाकाम होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एयरफोर्स की मदद मांगी। बताया गया कि रात में ही AN-32 विमान और MI-15 हेलीकॉप्टर आने वाले थे, लेकिन मंगलवार सुबह तक नहीं आए। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर चर्चा कर उन्हें जानकारी दी और जरूरी मदद की मांग की। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के।